बच्चों के लिए बहुत कुछ करना ही पड़ता है। तक आप नहीं सोची थी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, दो बेटियां हैं मेरी। वो बेटियां स्कूल जाती हैं, तो बेटियां आती हैं आपके पास सपोर्ट करने, हेल्प करने? नहीं, आप नहीं जाते को मैं पढ़ाई में ही बहुत बुरे बुरे कंडीशन आए हमारे पास, सिचुएशन बहुत बुरे आए, पर मजबूरी में औरतें निकल रही हैं, पीछे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं हमारा जी, और इसी से घर का गुजारा चलता है। उनको भी तो भूख लगती होगी, पता नहीं रोटी मिलता है नहीं मिलता। हेलो गाइस, मैं चंडीगढ़ सेक्टर 41D की मार्केट से जा रहा था, तो मुझे दिखे एक बहुत ही प्यारे मेहनती आंटी जी, जो अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग मदर हैं भाई साहब, और इसी कार्ड से वो घर का गुजारा भी चलाते हैं। और आओ चलो फिर पूछते हैं आंटी जी के पास कि उनके पास कौन कौन सी फूड आइटम्स रहती हैं। हाँ जी नमस्कार आंटी जी, कैसे हैं? ठीक है भैया। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए, नाम क्या आपका? अनीता वर्मा। अच्छा, तो कितने टाइम से आप यहाँ पर चला रहे हैं स्ट्रीट फूड का? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। कौन कौन आते हैं यहाँ पर खाने के लिए आपके पास? यहाँ पे सब आते हैं। सब आते हैं? हाँ, जिम वाले आते हैं, जिम वाले आते हैं, परिवार। अच्छा, यहाँ पे नजदीक होगा जिम ना? हाँ, परिवार भी आते हैं। अच्छा, परिवार वाले भी आते हैं। तो ये खास कैसे क्या बनाते हैं, क्या क्या आइटम्स रहती है फूड की आपके पास खाने के लिए? ऑमलेट है। हाँ जी, बिना ब्रेड का ब्रेड ऑमलेट है। अच्छा जी, बॉयल अंडे हैं। अच्छा जी, क्या बात है, ये आपने ऑमलेट बनाया होगा ना अभी जो बना रहे हैं? हाँ जी। तो क्या प्राइस रहता है ऑमलेट का जी? ऑमलेट का ब्रेड लगा के 40 का है, बिना ब्रेड का 30 का है। बिना ब्रेड के 30 का है। ये देखो जी, ये जो चटनी डाली है आपने, ये खुद बनाते हैं आप घर पे? दिखाएंगे एक बारी चटनी क्या है? अच्छा, ये तो बॉयल लेके रखे हैं आपने, और चटनी दिखाइए आप क्या क्या चीज़ें डालते हैं इसमें आप? इसमें अच्छा, यहाँ भी रखी हुई आपने, घर से बनाकर लेकर आते हैं? घर से बनाकर लेकर आते हैं। आप ही बनाते हैं इसे? हाँ जी। क्या क्या डालते हैं आप इसमें? हरे धनिया, लहसुन, अदरक। क्या बात है। तो आप से रहने वाले कहाँ से हैं? शुरू से चंडीगढ़ में रहते हैं? हाँ जी, शादी हुई 20-22 साल हो गया। तो पहले कहाँ से रहने वाले थे? शुरू गोरखपुर। गोरखपुर से। तो आपने कैसे सोचा कि एक लेडीज हो के लोग घबराती हैं, कैसे सोचा आपने कि मैं उतरती हूँ इस फील्ड में? बच्चों के लिए बहुत कुछ करना ही पड़ता है। हाँ जी, अब जी। तक आप नहीं सोची थी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, दो बेटियां हैं मेरी। अच्छा जी, उनके लिए मैं। वो बेटियां स्कूल जाती हैं? हाँ जी। क्या बात है, कौन कौन सी क्लास में पढ़ती हैं बेटियां? एक +2 में है। हाँ जी, एक 9th में है। अच्छा जी, तो बेटियां आती हैं आपके पास सपोर्ट करने, हेल्प करने? नहीं, आप नहीं चाहते कि वो पढ़ाई कराना चाहते हैं? हाँ, उनको मैं पढ़ाई में ही आगे। क्या बात है, बहुत अच्छे विचार हैं आंटी जी आपके। तो टाइमिंग्स क्या रहती है जी, आप कितने बजे आते हैं यहाँ? वो 4:30 बजे आते हैं, 10 बजे चले जाते हैं। अच्छा जी, वो पीछे जो खड़े हैं वो आपके हस्बैंड हैं? हाँ जी, हस्बैंड। अच्छा, वो भी मतलब आपकी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं? आप इकट्ठे ही आते होंगे? नहीं, वो तो सुबह 8 बजे आ जाते हैं। वो सुबह 8 बजे आते हैं, आप शाम को आते हैं ना? आप घर घूर देखते होंगे बच्चे बच्चों को, है ना? हाँ, घर का सारा काम करके फिर आती हूँ मैं। देखने की बात नहीं भैया, कुछ माहौल भी ऐसा है कि पर मजबूरी में औरतें निकल रही हैं। हाँ जी, पहले मैं भी नहीं निकलती थी, मुझे हस्बैंड खुद नहीं निकलने देते जी। थे, पर अब ऐसा आ गया है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, सपोर्ट, पीछे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं हमारा, जो है बस हमारे साथ बच्चे ही हैं और कोई नहीं है। नहीं, आप ईमानदारी का काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसमें कौन सा कुछ गलत काम कर रहे हैं, है ना? हक लाल की कमाई कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो मतलब यही आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों का, और इसी से घर का गुजारा चलता है? हाँ, इसी से चलता है। ठीक है जी, कहाँ लोकल ही रहते हैं आप भी? चंडीगढ़ यहीं पे रहते हैं। तो आंटी जी, आपने कुछ वैसे भी सोचा है कि इसमें और भी कुछ फूड आइटम ऐड करेंगे कि ये भी फिलहाल यही रहेगा? सूप साफ भी रखेंगे सर? कुछ सोचे नहीं है क्योंकि। अच्छा जी, और ये रखे हुए आपने ये अंडे का अंदर वाला पार्ट रखा आई थिंक, है ना? ये, हाँ, ये किस चीज के लिए रखा हुआ है? ये डॉगी के लिए रखा हुआ है। अच्छा, डॉगी के लिए। हाँ, डॉगी के लिए ले जाते हैं लोग, बाकी जो बचता है हम यहाँ पर भी आते हैं, हमारे पास 5-7 डॉगी आते हैं, उनको भी देना चाहिए। क्या बात, अगर बचता नहीं वो भी आपके रेगुलर कस्टमर है फ्री के? बचते नहीं तो हम इसमें से कच्चे तोड़ के देते हैं, पर देते वो इंतजार करते हैं। क्या बात है, वो भी रेगुलर कस्टमर है आपके, बट वो पैसे नहीं देके जाते, पर आप वो नेक काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं। वो उनको भी तो भूख लगती होगी, पता नहीं रोटी मिलता है नहीं मिलता। हाँ जी, मतलब कई आते होंगे जो जिम वाले अंदर का अंडे का पार्ट नहीं खाते होंगे ना? वो नहीं खाते हैं, कई बच्चे भी नहीं खाते हैं। बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो क्या एक छोटा सा मैसेज देना चाहोगे आप लेडीज को? हस्बैंड साथ हो तो साथ में काम करने में कोई चीज करनी। हाँ जी, हाँ, कहीं और होता तो मैं खुद नहीं भी करती, यही करने भी नहीं दी आज तक मुझे। बहुत बुरे बुरे कंडीशन आए हमारे पास, सिचुएशन बहुत बुरे आए, पर नहीं करने दिए, पर इस समय मजबूरी आ गई है। हस्बैंड बोले साथ में खड़े होने में खड़े हुए, इनके सपोर्ट लिए खड़ी हो सकती। और क्या क्या प्राइस रहते जी, जैसे अंडों का क्या क्या रखा होता आपने? गर इस समय 8 रुपए है उबले अंडे का। अच्छा जी, सर्दियों में 10 रुपए हो जाते हैं। सर्दियों में 10 रुपए होता है। ऑमलेट का यही प्राइस है सर्दियों में भी और गर्मियों में। ऑमलेट का 30 रुपए बताया था आपने? 30 रुपए बिना ब्रेड का है, ब्रेड लगा के 40 रुपए है। ठीक है जी, तो कितने अंडे का ऑमलेट बना लेते हैं, दिन में कितने हो जाती सेलिंग?
अभी तो कम होती होगी सावन चल रहा है, ठीक है हमारा सावन इतने में हम खुश है, बहुत खुश है। यहाँ पर आते रहते ना जिम वाले है ना? हाँ, दो चार पांच जो भी हैं। हाँ जी ठीक है भैया, हमारा काम सही है। काम चलना चाहिए, मेन काम चलने से मतलब घर का खर्चा चल जाता है, घर का खर्चा हमारा दो बस जाता, और क्या चाहिए। तो आगे सोचा आपने क्या करेंगे, कुछ फ्यूचर में प्लानिंग है, कुछ रेस्टोरेंट खोलेंगे अगर मेहनत करके अगर कुछ हासिल हुआ? कुछ तो नहीं सोची हूँ मैं, मेरे बच्चों को बस दो बेटियां हैं, उनका पढ़ा लिखा के मैं शादी ब्याह कर दूँ। हाँ जी बस, और इससे ज्यादा मैं कुछ सोची नहीं। चलो आप सोच नहीं रहे, पर हम चाहते हैं कि कस्टमर आपके पास ढेर सारे आए, आपकी अच्छी सेलिंग हो, है ना, और जो आपने बेटियों के लिए सोचा है वो भी पूरा हो, है ना, और भगवान करे आपका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो और सबसे पहले कस्टमर हम हुए। ठीक है जी, चलो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, थैंक यू जी।